किरुडागाड़ टीम बी टाइप गोल्ड को हरा दिया और दूसरा गाती को गाती लड़ने को क्वार्टर राउंड मैच रहे दुलार बगान टीम उनका तो बढ़िया गोल्ड को हरा लेते हुआ और वहाँ सेमी फाइनल मुकाबला रख लेते हैं रॉनी स्टार पाकुड़ियाल कर मजबूत टीम ही नोटे को ट्राई बेकर को हरा के बाद ही नोटे फाइनल खेलो लगी जगह को बिना उकाउना तो बेबार बिधाव ही सदा मिजेले को हर बिधाव आले नुआ बाबा तिलका बांजी क्लब गांडू पहाड़ी लिटी पड़ा पाकुर नुआ ऐतिहासिक फुटबॉल खेलो टंडे रे आर बिधाव पे लाता दरा में पेकरा ती जानुआ फाइनल मैच रे तो चले और एक बार आप सभी ऑडियंस का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं खुद इस टूर्नामेंट का कमेंटेटर मार्सल हंसदा बाबा तिलका मांझी क्लब घाट पहाड़ी लेटी पड़ा पाकुड़ इस टूर्नामेंट में और एक बार पुनः मैं आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ बाबा तिलका मांझी क्लब घाट पहाड़ी लेटी पड़ा पाकुड़ इन दिस स्टेडियम एंड यू आर वार्मली वेलकम ऑन दिस ग्रैंड फाइनल मैच। The teams which you are seeing from Eastern side, they are the player of AFC Global Birbhum team. And from Western side, the team which is attacking toward Eastern, they are the player of Raj Plus to Pakur. Match has just begun. The on-field referee of this tournament is Shahjaha Ali Chaudhary sir. And the referee whom you are looking at in AR1. Philemon Soren sir and the referee who is in AR2 he is यहाँ से मौका क्या बन सकता है पहला शॉट निकालेंगे अभी भी बॉल का पोजीशन यहाँ पर मौका तो बना था लेकिन अभी भी खतरा एरिया में बॉल यहाँ पर ये शॉट लगाएंगे लेकिन बॉल थोड़ा सा ऊपर चिकन जाएगी एंड आई वाज सेइंग दैट इन AR1 AR2 द असिस्टेंट रेफरी हु वी आर लुकिंग एट दैट ही इज संदीप हंसदा सर। सभी रेफरी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में हमारे जो यहाँ मालदा डिस्ट्रिक्ट रेफरी एसोसिएशन से जो रेफरी हमारे चल कर आए हैं इस मैच का मुख्य रेफरी का भूमिका में यहाँ पर जिनको आप देख पा रही है हमारे शाहजहां अली चौधरी सर और AR1 में ग्राउंड का उत्तरी छोर से ये है हमारे फिलिमोन सोरेन सर और दक्षिणी छोर से जिस सहायक रेफरी को आप देख पा रही है संदीप हंसदा सर साथ ही साथ भाई साहब मुझे है ना और यहाँ पर देखते ही देखते सरदार गोल डाक दे दिया है राज प्लस टू बाकू टीम में। अच्छा जो खड़े गोल डागे हैं आप उठाएंगे गोल डागने वाले खड़े प्लीज आप उठाएंगे और कोई खड़े गोल लगाओ के हाथ में टीम दूल दबो ना चले 11 नंबर ओके जिक्रे का था मैं कौन सिबू सरदार गोल लगाओ के रहते ही पहला हाफ या लगभग हुआ 3 मिनट चलाए बट था कि बेहतरीन गोल लगा को नहीं था और हेलो ले चे तो क्या बा हम सीधा चीन ले दिया पगना पगना कोई नहीं मिस कॉल में है और बड़ी रसगरिया कथा करना उन्हें चले बीटे खेल जिन्हें सब्सटीट्यूट होगा ना दे था उन्हें कौन बीरभूम टीम रन और रसगरिया कथा करना उपाय तो उन्हें गोल का बुन ये लाम के गोल हुई लहार की बी गरी लहा आप जो कम 2 सेकंड का लहार की उन्हें चर्चा ही उपाय था जे 500 टकारिया ऑफर हिंग को आमंत्रित और उन्हें हिंग चुके हो गए तो पहल हुए गोला उन्हें खेल लगी 500 टकारिया ऑफर उन्हें कौन बनो तरह पूरे महासो इस शिवधर हैम्रम का तो सलगा पड़ा कुने सेटर करना
गोल नगद इनामी राशि आम बुझे शिबू लगे 500 टका जमा चुका रिटर्निंग गोल लगे 500 टका ऑफर हजूल अच्छा उना तो लोता मरा अपने मरता कोई तो बंची हरा कौन से तो 500 टका हेलो यारे तो एएफसी हेलो ग्लोबल बिरफूम टीम जो देखो वापसी को गोले का खान तो ये 500 टका उका तो अपने लोता मरा ने बंची हरा बाबा करे दुनिया कांड पाड़ी टी खोन उका तो 500 टका रिया पा ऑफर कर दे रहा है हां मते मते बस ओ बन चलाओ कोना हां चला ना कोले चिन चला हां ये उना डीसी ऑफिस रे जमा कदा उना बांग दुम का दो नोंडे पकड़ रे हां ठीक है चला ना चला उना बांग हुई केना तर कमी नोंडे आ तो उना ते बन चलाओ कोना हां हैं लहार की ले तीनों दिन लहार ले हाँ ठीक है आर एक्सप्रेस पे दिया चाड़ी चोटी लगना पानी और एक्सप्रे का व्यवस्था कर देंगे जितना जल्द हो सके आप पहुंचा देंगे चले पहुंचाते वहां पर एक था उसी के बीच में यहां से सीबू ने सरदार गोल दागा है इसका मतलब यहां पर और एक आक्रमण और यहां तब तक में मैंने प्राइस जो ऑफर बोल तो नको तो बना बोल और जो यहाँ पर खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए जो यहाँ पर शिवकांत सर ने यहाँ जो उन्होंने 500 रुपया का राशि रखा है ये चीज यहाँ से घोषणा होने से पहले ही गोल हुई थी लेकिन चर्चा चल रही थी लेकिन सर का कहना है कि 500 रुपया चलिए यहाँ पर शिव जी के लिए वो दिया जाए पहला गोल के लिए और रिटर्निंग गोल अगर यहाँ पर होती है यहाँ एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम की तरफ से अगर वापसी गोल होता है तो वापसी गोल के लिए 500 रुपये ये हमारे लोता मरा के जो हमारे ग्राम प्रधान है उनके तरफ से और गलबरन मरतन जर्मन जी मुझे तो बोला आर ने पमवा ओ जर्मन टुटू मरतन जर्मन टुटू गलबरन अभी सक्रिय सदस्य कितना बा मुझे तो बोले आर ने पमवा चले मैच के से शुरुआत हो चुका है पीपी बॉल का पोजीशन वहां पर क्या मौका बना सकते हैं कि नहीं भी काउंटर अटैक के इस बार राजप्रस पाकुर टीम मौका क्या बना सकते हैं कि नहीं पीपी बॉल का पोजीशन वहां पर पाकुर टीम ने रखा है लेकिन बिरभूम टीम यहां पर अभी धीरे धीरे ये मैच को लेवल करने के लिए वो रणनीति बना रहे हैं इस बार जर्सी नंबर 4 में यहां से सुशांतो सोरेन 4 नंबर में इस बार गेंद को आगे बढ़ा दिया है लेकिन यहां पर देख रहा है जर्सी नंबर 9 इस बार छोटू मुर्मू एक बार अग्रिम पंक्ति खिलाड़ी को निहारा और वहां पर यह सटीक पास लेकिन धीरे धीरे बॉल का पोजीशन जस्ट नंबर 15 इस बार गेंद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं बाबूचान मुर्मू यहां से लेकिन एंड वक्त में अभी भी शिबू ने गेंद को जीता है यहां शिबू मुर्मू इस बार 11 नंबर जर्सी में राज प्लस टू पाकुड़ टीम 1-0 का बढ़त यहां से शिबू ने फर्स्ट हाफ का मैच का ये तीसरा मिनट यानी 30 मिनट माफ कीजिएगा 3 मिनट के अंदर इन्होंने गोल दागा है और यहां से देखना है क्या यहां वापसी गोल दाग सकते हैं कि नहीं एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम रिटर्निंग गोल के लिए 500 रुपये का ऑफर आया हुआ है यहाँ पर खिलाड़ी को मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके से हमारे लोटा बरा पाकुड़ के जो हमारे ग्राम प्रधान है उनके तरफ से और यहाँ पर देखना है क्या वापसी गोल होती है कि नहीं और यहाँ से दोनों ही टीम इस मैच को जीतने का प्रयास करते हैं दोनों ही टीम यही चाहते हैं कि मैं इस मैच को जीतूं और इस टूर्नामेंट का जो विनर प्राइज है वो मैं अपने नाम करूं क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो विनर प्राइज है
इस टूर्नामेंट का विनर प्राइज 2 लाख रुपये और रनर अप प्राइज है यहाँ से 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 रुपये। सेमीफाइनल में जो भी टीम हारे हैं उनको सिर्फ 30,000 रुपये मिलेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं प्राइज मनी में इस मैच में जो प्राइज का जो डिफरेंस है सिर्फ वो 50,000 रुपये। जस्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट द विनर प्राइज इन दिस एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप बाबा तिलका मांझी क्लब गांडू पहाड़ी लेडीपड़ा पाकुड़ द विनर टीम विनर प्राइज इज 2 lakh rupees and the runner-up prize is 1,50,000 rupees and the semi-final prize the teams which have been defeated in semi-final match they will be given only 30,000 rupees. That means there is difference only 50,000 in this प्राइज मनी। और यहाँ से मैं समझता हूँ एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाना है। यहाँ पर तैयारी हो चुका है एफसी ग्लोबल बिरभूम टीम से। यहाँ से देखना है कौन सा खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। शायद यहाँ से मैं समझता हूँ यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए खिलाड़ी ने अपील किया था लेकिन वहाँ पर कोई फाउल नहीं। गोलकीपर इस बार आसानी से बॉल को ले लिए हैं। इस बीच इस मैच का मुख्य रेफरी यहाँ शाहजहान अली चौधरी जो कि ये मालदा डिस्ट्रिक्ट रेफरी एसोसिएशन से ये सभी रेफरी आए हुए हैं। सभी रेफरी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्लब की तरफ से। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष हैं हमारे धोना मुर्मू जी सचिव के रूप में मांझी मरंडी जी कोषाध्यक्ष में सम्मानित भोले हेमराम जी सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के जितने भी हर तबके के हर छोटे बड़े तबके के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं मैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर टूर्नामेंट को यहाँ पर आयोजन किया है और खुशी की बात है यहाँ पर ये मैच चल रही है। एक खेल चेंज होंगे सर 7 नंबर मैदान से बाहर होंगे एफसी ग्लोबल बिरभूम टीम और 11 नंबर मैदान पर करेंगे। सोमनाथ के जगह में शहजाद को ग्राउंड पर उतारा गया है एफसी ग्लोबल बिरभूम टीम। यहां से देखना है क्या यहां ये सब्स्टिट्यूट जो हुआ है क्या ये कुछ रन ला पाती कि नहीं। इस बार दिलीप वहां से शॉट निकालेंगे लेकिन ये डायरेक्ट हिट गोलकीपर का ग्लव्स में गेंद जाएगी। अभी भी यहां से गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस बार जस्ट नंबर 4 पर लेकर यहां से सुशांत सोरेन इस बार यहां से क्या मौका बना पाते हैं कि नहीं। हल्का सा पास तो बढ़ाया है इस बार। यहां पर मैं देख रहा हूं होशियारी इस तरीके से वो दिखा रहे हैं एफसी ग्लोबल बिरभूम टीम। और यही तो करना है आपको यहां माइंड गेम खेलना होगा क्योंकि राजप्रस्तु पाकुड़ ये बेहतर टीम में से जाने जाते हैं। और यहां पर आप बात करें तो जो वेस्ट बंगाल बिरभूम से जो टीम आया है ये भी काफी सुदृढ़ टीम है काफी मजबूत टीम है और ये दो दिग्गज टीमों के बीच में आज दिन का ये तगड़ा मुकाबला ग्रैंड फाइनल ये मैच कौन सा टीम जीतेगा ये तो वक्त ही तय करेगी। लेकिन फर्स्ट हाफ का मैच का जो समय है लगभग ये 13वां मिनट चला है मंथ पर। ये देखना इस बार गेंद को आगे बढ़ा दिया इस बार यहां से बिरभूम टीम। इस बार यहां से जर्सी नंबर 15 यहां से लक्षी ये देखिए यहाँ पर क्या मौका बन सकता है बेबी लेकिन कॉम्बिनेशन उतना ही बेहतर। इस गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे यहाँ से सूरज जस्ट नंबर 27 होंगे इस बार वहां से तालबेल ये देखिए बेहतरीन पास बढ़ा दिया है दिलीप ने लेकिन थोड़ा सा वहां पर जो साइड लाइन से बाहर गेंद चली जाएगी और ऐसे में थ्रो इन करने के लिए इस बार मौका मिलेगा इस समय एफसी ग्लोबल बिरभूम टीम को। बॉल पे भारी तब ना और ठीक चले थ्रो इन के लिए यहाँ पर तैयार इस समय एफसी ग्लोबल बिरभूम बड़ी बेहतरीन। और मैच को देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर सेकेंड हाफ का ये मैच यहाँ से प्रारंभ होता हुआ और सासु के तीन बड़ा चुपड़ा आपका तो उन्होंने मिगड़ी लहा गया बोतला रहे बदो मानतान पिला रूप से टेबल रामजी हंसदा आपका तो उन्होंने गोपालपुर का भी टूर्नामेंट के साफ सुथरा तो बना उन्हें लोहित को ताजे नसिया सूचना माँ को तबुन में बड़ा चुपड़ा इनवा तो आदिवासी एवेंट गावता क्लब गोपालपुर हिरनपुर पाकुड़ आदिवासी एवेंट गावता क्लब गोपालपुर हिरनपुर पाकुड़ सेंट्रो पेद इंडिया सरदार फुटबॉल क्लब हपरा को साफ सफरा होता जहाँ बुझो लिखा के लिए दम हो खिलोड़िया तरीके 16, 17 और
18 फरवरी 2024 16-17-18 फरवरी 2024 पहला प्राइज 10 लाख रुपये, सेकेंड प्राइज 8 लाख, कंसोलेशन प्राइज के रूप में 3 लाख करके दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट के जो अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट के रूप में यहां पर रामजी हंसदा। टीम कंप्लीट है, टीम अभी खाली नहीं, टीम भर चुकी है। तो मैं चाहूंगा सभी ऑडियंस से मैं निवेदन करूंगा आपका उस ग्राउंड में आपका स्वागत है। आप जाकर के 16-17-18 फरवरी 2024 आप जाकर के उस मैच का आनंद ले। विनर प्राइज उस टूर्नामेंट का 10 लाख रुपये, सेकंड प्राइज और रनर अप प्राइज 8 लाख और कंसोलेशन प्राइज में 3 लाख रुपये। ये था आदिवासी एफएम गावता क्लब गोपालपुर हिरनपुर पाकुड़। खेल का तिथि 16-17-18 फरवरी 2024। और यहाँ से अभी बॉल का पोजीशन इस बार यहाँ से क्या मौका बना सकते हैं स्टेफन राज प्रस्तुपाको टीम। एक घात खड़े वहां पर गोल का, वहां से वो रणनीति बना रहे हैं लेकिन अभी तक गोल नहीं हुआ है। इस बार 1-0 का बढ़त इस समय राज प्रस्तुपाको टीम के पास। यहाँ से देखना है सेकेंड गोल होती है या यहाँ से एक गोल ही भारी पड़ सकता है एफसी ग्लोबल बीरभूम टीम के लिए। और अभी भी बोलता पोजीशन वहां से इस बार बीरभूम टीम ने गेंद को ले लिया है लेकिन यहाँ पर देखना है क्या मौका बना सकते हैं कि नहीं। राज प्लस टू पाकुड़ टीम तालमेल में कोई कमी नहीं, यहाँ पर देखना है अच्छा पास बढ़ा दिया है पाकुड़ के टीम ने लेकिन इस बार वहां से जस्ट सिल्वर 15 में खेलते हुए इस समय यहाँ से आगे बढ़ा दिए हैं। इस बार सेकेंड हाफ में चला गया तो बना टीम से कोई की गोल रैप कथा लेकर राज प्रस्तु पाकुड़ 1 और बीरभूम टीम 0। उन्होंने फोन स्टीफन लेकिन उन्होंने फोन हैंड फाउल दिया गोल जो आप तुरंत ही बिल्कुल हाई रहा बॉल पोजीशन देखो ना वो ये पिक्चर उन्होंने फोन जस्ट 15 रन लकी उन्होंने फोन बोल रहा गया मेन खाने ये पिक्चर राज प्रस्तु पाकुड़ टीम को बॉल को बाहर ही करा लेकिन यहां से अभी भी बॉल का पोजीशन यहां पर एरियल बॉल खेल दिया गया यहां पर दिलीप के लिए यहां पर एक घात खिलाड़ी मौका बना सकते हैं कि नहीं। शॉट तो निकला लेकिन शॉट में ज्यादा पावर वो जनरेट नहीं कर पाए और ऐसे में आसानी से क्रश आएगा यहां पर उसके विपक्ष टीम विनय बरंडी जो गोलकीपर है एफसी ग्लोबल बीरभूम टीम के लिए। वंस अगेन नाइस डिलीवरी फॉर द सेंटर फॉरवर्ड प्लेस एंड वंस अगेन दिलीप ही सपोर्ट द बॉल फॉर स्टीफन टुडू। वंस अगेन अपोनेंट टीम जोगेन हैज टेकन द बॉल एंड दैट विल बी अ फ्री किक एंड अ नाइस चांस इट इज गोइंग टू बी फ्री किक फॉर एफसी राज प्लस टू पाकुड़ अगेंस्ट एफसी ग्लोबल बीरभूम टीम। यहां से शॉट की तैयारी इस बार देखना है कौन सा सारी शॉट लेंगे। अच्छा शॉट वहां से जमाया है इस बार यहां से ये मौका बन सकता है लेकिन गोलकीपर ने एक होशियारी वहां पर दिखाया और वहां से तुरंत ही वो अपना जगह से निकल करके गेंद को आसानी से ग्लव्स में लेकर के आगे बढ़ा दिया है। लेकिन यहां पर ऐसे में ये देखना है कौन सा टीम इस ऐतिहासिक ग्राउंड का विनर टीम चैंपियन टीम बन सकते हैं। यहां से देखना है कौन सा टीम इस टूर्नामेंट का इस 2023 का जो इतिहास की नई पन्ना है नई अध्याय में अपना नाम को जोड़ सकेगी ये यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। यहाँ से इस बार काउंटर के लिए निकले हैं बीरभूम की टीम। ये देखिए थोड़ा सा कभी शून्य वहां पर नहीं बन पाए और ऐसे में कॉर्नर किक करने के लिए मौका मिल जाएगा इस समय एफसी ग्लोबल बीरभूम टीम। साथ ही साथ हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई आए हुए हैं सभी यूट्यूबर चैनल के जो टेक्निकल स्टाफ है ऑनर है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां से इस बार गेंद को आगे बढ़ा दिया यहां से जस्ट सिर्फ 9 इस बार गेंद को लेंगे
ये देखिएगा यहाँ से मौका बन ही रहा था, लेकिन थ्रो इट लिए मौका मिल जाएगा। ओकादा ऊपर यूट्यूब और भाई को सेटर करो ने बाबू ललित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दुबा हम सब्सक्राइब तब उन पे और दुबा को वहाँ पे मैच पे लड़े बाद वहाँ मैच बिचे करते हो सांस होंगे ते नोडे उपाय तो प्रेम जी सेटर करना एसपी फुटबॉल ब्लॉगर रहे उपाय तो टेक्निकल स्टाफ करना मुझे सेटर करना वहाँ तीन जा मैच कवरेज लेकिन सांस होंगे ते जान गुरु फुटबॉल यूट्यूब चैनल रहे उपाय तो यूट्यूबर करना सेटर करना और सांस होंगे ते नोडे अविनाश हंसदा यूट्यूब चैनल रहे उपाय तो टेक्निकल स्टाफ करना ऑनर करना सेटर करना और सांस होंगे ते एन स्पोर्ट रहे उपाय तो नरेश जी उन्हें सेटर करना मैच कवरेज लेकिन आप दुआ को चैनल सब्सक्राइब पे यूट्यूब पे चला पते सर्च पे सर्च बॉक्स पे और तिही दुआ का दो फुटबॉल मैच को जेले चनवा बाबा तिनका मांझी क्लब गांडू पहाड़ी नीति पड़ा पाकुर दुआरिया मैच पे जल जम भरिया और केन नोने ना मैच पोते दुआ बीच को तीनो दो कटी लटू टूर्नामेंट ही करानवा संथाल परगाना अंतर्गत रे जो तो मैच आपे पे जेला उना यूट्यूब वजन तो रहता पे नवा सब्सक्राइब कर तो पे और तीनो दो पे सेटर का जतो थी दुआ मैच जे संगे लगे सो संपोर नेगालिया को जतो कोडी अदिस रहा पे चालू चुका और सखावी चालक एंतेनवा बाबा तिलका मांझी क्लब गाडू पहाड़ी लीति पड़ा पाकुर नुआ टूर्नामेंट रे नोडे कोई दाबुना अध्यक्ष जी कनाई मरदान थोड़ा प्रभु सचिव रूप रे मरदान मांझी बरंडी हेलो कोसा अध्यक्ष रूप रे मरदान बोनेश्वरन जी और साफ संगे ते तीन दो नुआ टूर्नामेंट साफ सफरा लगी से टूर्नामेंट चलाव बना लगी तीन दो पे गोड़ो लेन और जो तो कटिंग लटू कमी करे तीन पे गोड़ो सुपो हो लेन जो तो कमिटी मेंबर होगी जो तो कि इन तो जो तो होला जो तुम बुई ले धरया मेंखान जो तो तीन दो नुआ टूर्नामेंट पे गोड़ो कर नुआ बाबा तिका मांझी क्लब गांडू पहाड़ी लीची पड़ा पाकुर आपे नुआ क्लब रे सनाम करो एक मार्सेल हंसदा इना ढगुन मने अंतर को नापे अडे अडे मानव जोहार साय साय सहाव चला पे करा एंते तिहि आपे पे दिलावत ये तिकी नोडे हम सेटर ना और अडे मोज ने अटकार के दा आपे आ दुलड तिहि नुआ टूर्नामेंट या एतो हो दिन खोन बनावत है ना और ई जो का उम्मीद है का ना कोन बढ़ती आपे दुलड पे बाउ दिए ते इ अडे अडे सहाव चला पे करा और बाड़े खाने तो मैं फादा ब्रो रेफरी को सेटर का नुका तो नोडे मालदा डिस्ट्रिक्ट रेफरी एसोसिएशन रे सनाम रेफरी को अडे अडे सहाव चला चुकड़ा और नुआ बिचो डे खुला फॉर्म बाकुन बिना दस बा बैट खाली है पिछले तुरंत ये बॉल कुलाया उन्हें फोन बही बही के बीरभूम टीम बैक पास ये मस्त उन्हें फोन करे लाया मैं सेंड फोन अरे स्पीड खिलाड़ी नहीं था उन्हें फोन दिली बॉल उन्हें रहने बिना उदाज तो चांस बिना का सुबह मैन खान और फोन सूरज उन्हें बोले क्लियर करना नहीं पिछले चार नंबर है गाती का चौदह नंबर उन्हें फोन चौदह नंबर है पर अरे नवी खिलाड़ी थी बापी सोरेन नोआ मैच तो बुझने लगे ना मेनखान बापी ये मैच के उनका ना चांस और ही बिना वा मेनखान चेल का ना गोल हाँ बुझने लगा अगर ऐसे बनी है खिलाड़ी तो बुझने लगा डी बॉय उन्हें कौन तालमेल लक्ष्य और बापी तला रहे मेनखान और बिचरा उन्हें कौन सुनील जी उन्हें कौन बैक पास करते हैं सुनील हो टीम नवी खिलाड़ी के नाइन है बिचरे नोआ मैच तो बुझने लगा गोल भाई भाई थे लिए था उन्हें कौन पंद्रह नंबर जीते हुए था लक्ष्य सोरेन उपाधो बिल्कुल भी ना दिग्गज स्ट्राइक रहे मैं खाली दिखता है कौन बापी का तिया से और कौन सुनील जी सुनील अति बेहतर अति नवी खाली रहे मैं खाली दिखता है कौन ताल मेरे ऊपर थोड़ा का ना भाव हुई ना हार और कौन तुरंत ये वो गोल कीपर होना बोले बाहर एक ना नुआ बिच जाएगी था बॉल पोजीशन और कौन भाई भाई थे नुआ जस्ट ने बोल नोरे क्लब का खिलाड़ी और कौन बोले सूट लाया संदीप का तेलगी मैं खाली दवा था फिर बूम टीम बॉल और कौन को सजाओ क्या मैन थे ये था बॉल पोजीशन और कौन जस्ट ने बोल 12 टीम रन कैप्टन मार्सेल हेम्ब्रम उन्होंने थोड़ा था काउंटर लेके गए पिछले और कौन सुनील जी ये था बाबा इतना बड़ा का से बांग स्टार खिलाड़ी मैन खान थोड़ा गान पे आई मां भारतीय गोटे खाई तो देखो ये दिया ना पे बॉल बाय बिना रहा मैन खान देखो गोल हुई हुआ वहां मैच रे वापसी गोल लगे रुका दो 500 टकारिया उन्होंने राशि ही इतना मैन खान बुनेला चेल का नवा मैच को खिलोर करा को बना चुके खिलाड़ी नवा नेस को छोड़ रुका दो नवा गांडू पहाड़ी बाबा तिलका मांझी क्लब गांडू पहाड़ी लिखी पड़ा बाकुर नवा टूर्नामेंट दिया उका दो इतिहास दिया पन्ना करा इतिहास दिया नई अध्याय रे कोई ना टीम हा कुआ युद्ध को दर्जा एंटे कोई ना टीम है दाड़िया पहिल प्राइजन होम तरह जाओ की टीम की यमुगो आउन टीम की दिशा चुआ क्योंकि ये इतिहास गवाह है जो जीतेगा और जीतने वाले टीम को ही हमेशा याद किया जाता है यहां से देखना है कौन सा टीम इस टूर्नामेंट का वो इतिहास रचते हैं और इतिहास रचने वाले टीम कौन सा बनेंगे ये तो देखना है मैच अभी भी जारी है सेकंड हाफ का मैच राज प्लस टू पाकुर 1-0 से
बढ़त इस मैच में और एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम का स्कोर है 0। देखना इस मैच में गेंदबाज बढ़ा दिया इस बार, यहां से बापी बेहतर पास इस बार जर्सी नंबर 3, इस बार यहां से बापी को फिर से खिलाया स्टार खिलाड़ी, यहां से 3 नंबर पे इस बार गेंद को आगे सप्लाई कर दिया है यहां से सुमन को भैरव, लेकिन यहां पर देखना है राज प्लस टू का कोई, इस बार दिलीप ने गेंद को जीता है, अच्छा वहां से थ्रू पास बढ़ा दिया इस बार जर्सी नंबर 15 के लिए, लेकिन वहां पर एक बेहतर टैकल और गेंद को अपने पक्ष में रखते हैं इस बार छोटू मुर्मू जो कि यहां एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम से, छोटू का वहां से शॉट आएगा लेकिन यहां पर अभी धीरे धीरे यहां से सुनील जी ने हेडर किया है, सुनील जर्सी नंबर 13 में एक स्टार खिलाड़ी वेस्ट बंगाल बिरभूम से, आप समझ सकते हैं जो चल कर रहा है यहाँ पर एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम जो वेस्ट बंगाल से यह टीम आई है, यहाँ पर इस बार गोलकीपर अच्छा वहां पर बेकअप देने का प्रयास करते हैं राज प्लस टू काकुर, और अभी देखना है वहां पर धीरे धीरे बॉल को क्या वहां पर बेक पास खेल देंगे, जी हाँ गोलकीपर के लिए खेल दिया है और एक अच्छा सटीक पास वहां से निकाले और समय धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां से देखना इस बार काउंटर अटैक के लिए यहां से बिरभूम की टीम गेंद को डीप पे डाल दिया है, यहां मौका बन सकता है इस बार जैसे तैसे करके प्ले में रखने का प्रयास तो किए थे इस बार, लेकिन बॉल जाएगी गोल लाइन से बाहर, इस समय कॉर्नर किक करने के लिए मौका मिल जाएगा, चले एकल चेंज होंगे सर, एकल चेंज होंगे स्टेफन जर्सी नंबर 10 में और उसके जगह पर यहां से 30 नंबर मैदान पर इन करेंगे श्याम मुर्मू, राज प्लस टू पाकुड़ टीम से स्टेफन टूडू स्टार खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर श्याम मुर्मू जर्सी नंबर 30 में ग्राउंड पर उतरे हैं, अभी ये सेकेंड हाफ का मैच कुछ समय शेष रह गया है, यहां पर कम समय नहीं एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम को मैच को लेवल करना है, अभी यहां से देखना है गेंद को आगे बढ़ा दिया है लेकिन यहां पर अभी भी बॉल का प्रेशर बिरभूम टीम, वंस अगेन श्याम मुर्मू ball for FC Global Bilbao team. आज यहां से कौन सा टीम इस मैच को जीतेगा, इस मैच का इस टूर्नामेंट का जो विनर प्राइज है 2 लाख रुपए किसका हाथ में जाएगा, राज प्लस टू पाकुड़ या यहां से एएफसी ग्लोबल बिरभूम, यहाँ से गेंद आगे बढ़ा रहे हैं दिलीप है, लेकिन वहां पर देखना है इस बार जर्सी नंबर 15 में लक्की ने गेंद को आगे बढ़ा दिया है सजाद के लिए, सजाद वहां पर बापी को खेला है, अभी भी यहां से गेंद को आगे बढ़ा दिया है बापी का यह शॉट, लेकिन वहां पर 16 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी ऐसे में उसको वहां पर रोक लिया गया है, मौका उनको नहीं मिला और इस बार गोलकीपर का ग्लव्स में गेंद, इस बार यहां से स्टेफन है ब्रह्म और यहां से इस बार देखना है मौका क्या बन सकता है, यहां पर श्याम के पास गेंद लेकिन यहां गोलकीपर ने एंड वक्त में बॉल को ले लिया है विनय मरांडी, और इस बार यहां से धीरे धीरे इस मैच का जो रेगुलेशन समय है वो भी काफी कम से कट गया है, और यहां पर देखना है इस मैच में एडेड टाइम दिया जाएगा कि नहीं, जी हां 2 मिनट का इंजरी टाइम यहां पर एडेड टाइम के रूप में यहां पर घोषणा होता हुआ, इस मैच का ओनली टू मिनट्स इज एडेड इन दिस रेगुलेशन टाइम, यहां से देखना है इस बार एएफसी ग्लोबल बिरभूम टीम को यहां वापसी गोल दागना होगा 2 मिनट के अंदर तभी ये मैच में लेवल हो पाएगी, अन्यथा राज प्लस टू पाकुड़ इस टूर्नामेंट का चैंपियन टीम बन जाएंगे, लेकिन यहां पर देखना है अभी भी कुछ समय से सुधर गया है, मैं तो यही चाहूंगा बिरभूम टीम से आप जब तक इस मैच का मुख्य रेफरी का विजिल नहीं बनती है तब तक आप प्रयास करें, हो सके आपका किस्मत अगर साथ दे तो आप वापसी कर लेंगे मैच को, अभी भी बॉल का पोजीशन वहां पर धीरे धीरे यहां पर देखना है इस बार श्याम ने गेंद को जीता है, श्याम सब्स्टिट्यूट बैच से जो यहां स्टेफन टुटू को सब
सब्सिट्यूट करके जो बैदार कर रहे हैं यहाँ पर, यह देखिए शॉट को निकाला था श्याम ने, लेकिन श्याम का शॉट भी इस बार ब्लॉक किया गया है विनय मरांडी, अन्यथा यहाँ पर बिरभूम टीम यहाँ पर वो 2-0 से पिछड़ जाते। लेकिन यहाँ पर एक बार देख रहे हैं लक्ष्मी सोरेन गेंद को आगे बढ़ा दिया है यहाँ पर चार खिलाड़ी इस बार 16 नंबर, लेकिन इस बार ये देखिए धीरे धीरे गेंद को आगे बढ़ा रहे विनय मरांडी, मौका यहाँ से क्या बना पाएंगे कि नहीं यहाँ बिरभूम का टीम। और यहां से शायद एक खिलाड़ी को चेंज किया जाएगा यहां से, इस बार 3 नंबर मैदान पर इन करेंगे और जर्सी नंबर 9 यहां दिलीप के जगह में इस बार 3 नंबर जर्सी पहने खड़े ग्राउंड पर इन करेंगे राज प्लस टू पाकुड़ टीम से सब्स्टिट्यूट बैच से, और 3 नंबर यहां पर अर्जुन मरांडी होंगे। इस बार काफी कम समय शेष रह गया है, ये हो सकता है यहां पर वापसी करने के लिए एक बेहतर चांस। एफसी ग्लोबल बिरभूम टीम के लिए ये यहाँ पर मौका हो सकता है, अगर यहाँ पर कॉर्नर किक के जरिए अगर गोल होती है तो यहाँ पर अंतिम समय में आप समझ जाइए बिरभूम टीम मैच को लेवल कर लेंगे। ये अंतिम कॉर्नर किक, ये देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, गोल की नहीं लेकिन वहां पर फाउल का गोल आ जाएगा क्योंकि गोलकीपर को टच किया गया जब बॉल ऊपर में ही था और गोलकीपर ने जैसे ही वहां पर जंप लगाया बॉल को लेने के लिए और वहां पर उनको चोट लगी है। यहां से देखना है समय काफी कम शेष रह गया है, अब यहाँ पर परिणाम क्या होगा, जीत इस मैच में किसका होगा, कौन सा टीम इस मैच को जीतेगी और इस एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 बाबा तिलका मांझी क्लब गाडू पहाड़ी लिपिपड़ा पाकुड़ इस विनर टूर्नामेंट का विनर टीम कौन सा घोषित होंगे। और ये देखिए यहाँ पर इस मैच का मुख्य